बाकी लोग कितने नए हैं कितने पुराने? एक मिनट, सिर्फ 5-6। यार ये क्या हो गया, आज संडे समझ लिया क्या आज? अरे आज लगता है कुछ सही ढंग से मैसेज आप तक पहुंचा नहीं कि 5 बजे से क्लास है। सर भाई दूज बना रहे हैं आज। भाई दूज शाम तक बना रहे हैं। ओके चलिए देखते हैं, फिर जितने हैं उतने ही में शुरुआत करेंगे। कोई नए तो नहीं लग रहे हैं? राम्या है, जोशी, अक्षता, 1, 2, 3, सिर्फ 3 ही दिख रहे हैं मेरे को अभी तक तो। क्यों भाई? राम्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास हमने? राम्या आवाज आ रही है क्या? दिपले, जोशी, सर मैं लास्ट लेक्चर में नहीं थी, ये सेकंड लेक्चर ही है मेरा, लास्ट लेक्चर में नहीं आई थी। उससे पहले कौन सा लेक्चर अटेंड किया था आपने? वो निकनेम वाला था ना। कौन सा निकनेम दिया था ना सर, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी, आयरन। अच्छा निकनेम वाला, मॉडर्न हिस्ट्री अटेंड किया था। माइक किसका ऑन है? माइक बंद करो। जोशी माइक ऑफ करो। ओके सिद्धेश, सिद्धेश आवाज आ रही है? सिद्धेश कुमार, अक्षता, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास हमने? इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ? सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुई? डिक्लाइन, देयर वाज मेनी रीजंस, लाइक अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल इट वाज फ्लड, देन द मेन रीजन वाज इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। व्हाट अबाउट आर्यन अटैक, ये किसने बोला था? जॉन व्हीलर। वेरी गुड। और मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पोर्ट का प्रमाण कहाँ मिला था? बंदरगाह होते थे, वहां से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ये जो शिप है, पोर्ट है, बंदरगाह है, डॉक यार्ड है, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? कौन सा साइट ऑफ हड़प्पा हमें मिला है? फ्रॉम लोथल। वेरी गुड। सामने में कॉपी खोल रखा है क्या? नहीं सर, वो मैंने दूसरे बुक में लिखा था, बड़े बुक। ठीक है, लोथल की खोज किसने की थी? सॉरी, लोथल का खोज किसने किया था? समथिंग राव, समथिंग राव, और एसआर में याद करूंगा। एसआर राव। ओके ठीक है, वेरी गुड, इतना भी तुमने याद किया है। अगर बिना नोटबुक के सहारे आपने बोला है तो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। ठीक है चलिए, अभी हम आपके क्लास की शुरुआत करेंगे। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हमने लास्ट क्लास की थी, उसके नेक्स्ट पार्ट को आज हम देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विनाश है, जो डिक्लाइन है, वो दो अलग अलग कारणों से हुआ था। बेसिकली द रीजन वेरी फ्रॉम अलग वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट एक रीजन मैंने बताया था, जो रीजन आपके एक हिस्टोरियन व्हीलर के द्वारा बोला गया था, आर्यन अटैक। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो यही था कि आर्यन इसके बाद आ रहे थे और उनके अटैक से हड़प्पा के बहुत से साइट का क्या हो गया, तो विनाश हो गया। हड़प्पा के बाद जिस सभ्यता की हम बात करेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हमारा पहला इकाई आपके एंशिएंट हिस्ट्री में था, वैसे ही दूसरी इकाई पे आज हम खड़े हैं जिसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। ध्यान से पहले सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, फिर लिखने और लिखाने की हम बात करेंगे। बट पहले हम कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, है ना, उसके बाद वन बाय वन करके मैं आपको लिखाऊंगा। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा लिखने की कोशिश कतई ना करें। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद सेकेंड पार्ट वैदिक सिविलाइजेशन। नाम में ही लिखा हुआ है वैदिक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें वेद का इन्वॉल्वमेंट होगा। संभवतः इससे पहले भी आपने वेदों का नाम सुना होगा। आज पूरी डिटेल में हमको वेद देखना है और इस चैप्टर से
हड़प्पा से संभवतः क्वेश्चन पूछे जाए आपके एमपीएससी एसएससी रेलवे या ना पूछा जाए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन से एक मार्क्स से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन हम आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन से करेंगे। जैसा हड़प्पा सिविलाइजेशन का एज हमने बताया था कि 2350 2350 ईसा, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हड़प्पा का मैंने एज बताया था कि 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी तक है एज पर एनसीईआरटी बुक। सिमिलरली वैदिक सिविलाइजेशन का जो फेज है वो 1500 बीसी 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक है। तो एक तो एज में हमने डिफरेंस डाल लिया कि हड़प्पा का कब से कब तक और वैदिक का कब से कब तक। दूसरी बात, हड़प्पा में हमने आपको बताया था कि हड़प्पा के किसी भी साइट से हमें शहरों का प्रमाण नहीं मिला है, अर्बन सिविलाइजेशन हड़प्पा नहीं थी। हमने बताया था कि हड़प्पा वॉज ए रूरल सिविलाइजेशन, बट वैदिक में अगर हम पहुंच रहे हैं तो वैदिक में आप जान लें कि हड़प्पा से कैसे डिफरेंट था। तो वैदिक सिविलाइजेशन वॉज ए अर्बन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा रूलर था, यहाँ पे अर्बन हो गया। हड़प्पा हमने बताया था कि जो फीमेल है उसी का दबदबा आपके समाज सोसाइटी पर रहता है। वैदिक आते आते ये चेंज हो चुका था और यहाँ पे जो दबदबा था, जो डोमिनेट कर रहे थे सोसाइटी को, वो मेल थे। नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि हड़प्पा की जो लिटरेचर थी वो नॉन रीडेबल थी, मतलब हमने अगर लिख दिया लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की ओर लिख दिया तो फिर आप पढ़ नहीं सकते थे। बट वैदिक सिविलाइजेशन आते आते आपकी जो स्क्रिप्ट हो गई, जो साहित्य हो गई, वो लिखी जाती थी, वो पठनीय थी, जिसका नाम हमने दिया श्रुति लिटरेचर। श्रुति संस्कृत का बेसिकली समावेश यहाँ पे हो चुका था, क्योंकि वेदों की बात है तो ऑब्वियसली बात है संस्कृत का कहीं ना कहीं तो समावेश होगा, तो संस्कृत का समावेश इस लिटरेचर में हो चुका था। इसका नाम दिया हमने श्रुति साहित्य, जो रीडेबल थी, हमने अगर लिखा तो आप उसे पढ़ सकते हैं, और वो आज की तरह लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट ही लिखी जाती थी, न कि हड़प्पा की तरह लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। लास्ट क्लास कौन मौजूद नहीं थे? लास्ट क्लास कौन नहीं थे? मैं नहीं थी। देखिए संभवतः जो लास्ट क्लास होंगे उनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि लास्ट क्लास का कंपैरिजन में इस क्लास के साथ कर रहा हूं, तो लास्ट क्लास की बातें भी आपको समझ में आएगी कि हमने पढ़ा है कहीं नहीं। दूसरी बात, हमने हड़प्पा में आपको बताई थी कि हड़प्पा का जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, बट वैदिक सिविलाइजेशन आते आते ये जो इकोनॉमी का बेस है वो भी चेंज हो चुका और वो कैटल फार्मिंग हो चुका। कैटल फार्मिंग कहने का मतलब पशुपालन। तो हड़प्पा में एग्रीकल्चर था, यहाँ पे हमारा पशुपालन इकोनॉमी का बेस हो चुका था। उसके बाद भी हमने बताया था कि हड़प्पा के किसी भी साइट से हमें लोहे आयरन का प्रमाण नहीं मिलता है, और स्पष्ट मैंने लिखा था कि हड़प्पा के किसी भी साइट से हमें गाय काऊ का भी प्रमाण नहीं मिलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये है कि आयरन और गाय दोनों आपकी वैदिक सिविलाइजेशन में मिल रही थी। तो आप स्पष्ट जाने कि आयरन जिसे हमने लौह अयस्क बोला है, बोलते आज भी हम बोलते हैं लोहा है, तो लौह अयस्क वो पुराना नाम था, है ना, जनरली उसको दूसरे नाम से हम श्याम अयस्क के रूप में जानते हैं। तो गाय और लोहे का प्रमाण हमें हड़प्पा में नहीं मिला, बट आज की क्लास वैदिक सिविलाइजेशन में प्रमाण हमें मिलेगा। उसके बाद संभवतः हमने आपको और भी कुछ जानकारी दी थी, जिसमें हमने बताया था कि जो रिलीजन है, जो रिलीजियस लोग हैं, वो मातृ देवी की पूजा करते थे, दैट इज कॉल्ड मदर गॉडेस, और कहीं कहीं पशुपति महादेव की भी पूजा करते हुए लोग देखे गए। यहाँ पे चेंज हो चुका था, और जो मदर गॉडेस थी, क्योंकि उस समय जो सोसाइटी था वो फीमेल द्वारा ही डोमिनेट किया जा रहा था, इस कारण से स्वाभाविक सी बात है कि मदर गॉडेस की पूजा होती थी। बट इस वैदिक सिविलाइजेशन में, चूंकि वेदों की सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई, कहा गया कि देवताओं ने इस सिविलाइजेशन को बनाया है, इस कारण से यहाँ पे देवताओं की उपासना होने जाने लगी। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट भगवान आपके उभर के सामने आए थे, क्योंकि इनका उल्लेख आपके वेदों में सबसे ज्यादा बार मिलता है। तो यहाँ पे रिलीजन में हम जानेंगे कि आपके भगवानों का उपासना हम कर रहे थे, देवताओं की पूजा हमने करना शुरू कर दिया था, और इंद्र उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे। इतनी बात में कोई आपको प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आया होगा, और लास्ट क्लास थे और फिर नहीं समझ में आया, वही मेरे से पूछिएगा,
लास्ट क्लास नहीं थे और फिर नहीं समझ में आया, तो आगे चल के मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, बट अभी मेरे से वही स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा जो लास्ट क्लास में मौजूद थे, क्योंकि मैंने बेसिकली कंपैरिजन किया है लास्ट क्लास का इस क्लास से, ताकि हम हड़प्पा को भी समझ पाए और वैदिक सिविलाइजेशन को भी आसानी से समझ पाए। कोई दिक्कत है किसी के पास? नहीं। एक और बात हमने आपको बताया था कि हड़प्पा मतलब किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमारे पास सोर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोर्स नहीं है तो फिर ये एक सभ्यता थी, यहां से हमने ये पता किया, यहां से हमने ये पता किया, पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो हड़प्पा को जानने के लिए जो हमारे पास सोर्स थे वो आर्कियोलॉजिकल थे, और इस आर्कियोलॉजिकल में सिर्फ एक ही सोर्स मौजूद था, वो था स्टैम्प। करेक्ट, सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? यस। बट वैदिक सिविलाइजेशन के को जो हमने पहचाना है, जो जाना है कि ये एक सिविलाइजेशन थी जिसका एज 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था, इसको जानने के लिए जो हमारे पास सोर्स थे वो आर्कियोलॉजिकल नहीं थे। कहने का मतलब पुरातात्विक नहीं थे। पुरातात्विक हम उस सोर्स को कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, है ना, ईटा हो गया, भवन हो गया, इमारत हो गए, सिक्के हो गए, स्टैंप हो गए, तो ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स की कैटेगरी में आएंगे। बट वैदिक सिविलाइजेशन को जानने और पहचानने का जो सोर्स था वो था लिटरेरी। लिटरेरी का मतलब लिटरेचर, और इस लिटरेचर के अंदर बहुत सारे आपके बुक्स और ग्रंथ आते हैं, जिसमें से नाम हम देते हैं वेद का, नाम हम बोलते हैं उपवेद है, नाम हम बोलते हैं आपके होली बुक्स महाभारत है, रामायण है, नाम हम पुराण का देखेंगे, नाम हम दर्शन का देखेंगे, नाम हम आपके जो आपके उपवेद है उसको हम पहचानने की कोशिश करेंगे, या एक दो और भी साक्ष्य आपके मिलते हैं तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे अलग अलग मैं लिखता हूं वैदिक और फिर हड़प्पा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, यहां तक दिख रहा है ना? दिख रहा है क्या? यस सर। वैदिक सिविलाइजेशन जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप उसे लिख सकते हैं। पहली बात एज, एज जाने 2350, ये सॉरी 2350 वाज हड़प्पन एज, यहाँ पे 1500 टू 600 बीसी कब से कब तक था? तो एज, एज के बाद सोर्स, सोर्स में कौन कौन सा है? तो लिटरेचर, लिटरेचर में क्या क्या आते हैं तो लिखिए वेद, उपवेद, उसके बाद लिखिए पुराण, उसके बाद लिखिए ब्राह्मण, उसके बाद लिखे ये सब बुक्स हैं दर्शन, उसके बाद लिखे महाकाव्य, महाकाव्य एक्सेट्रा, ये सब सोर्स है। उसके बाद इकोनॉमी, कैटल फार्मिंग, स्ट्रक्चर अर्बन, उसके बाद लिखे बेस, आयरन एंड काउ, उसके बाद लिखे हैं स्क्रिप्ट, रीडेबल, श्रुति स्क्रिप्ट, श्रुति लिटरेचर लिख लें, इतनी बात लिखे हैं। फिर एक दो बात और बातें लिखे। कौन सा टॉपिक है? बोलिए क्या बोल रहे हैं? सोर्स के नीचे क्या लिखा है सर? सोर्स के नीचे, सोर्स के आगे में ये ना इकोनॉमी, इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन कैटल फार्मिंग, पशुपालन, स्ट्रक्चर अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन थी, बेस हमारा आयरन और काउ का था। एक और फैक्ट लिख रहा था, चलिए लिखिए पहले उसके बाद देखते हैं क्या छूट रहा है।
वैदिक सिविलाइजेशन एज 1500 to 600 BC, सोर्स लिटरेचर, लिटरेचर में अलग अलग मैंने पार्ट लिखे हैं, वेद, उपवेद, पुराण, ब्राह्मण, दर्शन एंड महाकाव्य एक्सेट्रा. इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन कैटल फार्मिंग. स्ट्रक्चर जो था समाज का, जो सोसाइटी का था, वो अर्बन था. बेस जो था वो आयरन और काउ का था. स्क्रिप्ट रीडेबल थी, जिसको हमने श्रुति लिटरेचर का भी नाम दिया है, श्रुति साहित्य. उसके बाद रिलीजन हम लिखेंगे. एक और फैक्ट है रिलीजन, रिलीजन में गॉड वर्शिप. इतनी बात उसकी हेडिंग है, मुखड़ा है उसका वैदिक सिविलाइजेशन का, कि अगर वैदिक सिविलाइजेशन आप बोले तो इतनी ही चीजों पे हमने हड़प्पा की भी शुरुआत की थी. हड़प्पा का एज, हड़प्पा का सोर्स, हड़प्पा का इकोनॉमी, हड़प्पा का स्ट्रक्चर, हड़प्पा का बेस, स्क्रिप्ट और रिलीजन, उतनी ही बात हमने यहां भी लिखी है. यहां पर कोई दिक्कत? चलो क्या हटाओ क्या? डन हो गया? अरे यस और नो? यस सर. जिनका नहीं हुआ पूछिए मेरे से, सर ये नहीं समझ में आया क्या लिखा आपने. देखिए अभी जो हमें पढ़ना है वो वैदिक सिविलाइजेशन में जो सोर्स आपके थे वो सोर्स हमें पढ़ना है अलग अलग, कि वेद क्या है, वेद कितने हैं, वेद में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं. तो हमें, हम पहले देखेंगे वेद, फिर देखेंगे ब्राह्मण, फिर एक एक करके हम आपके कड़ियों को जोड़ते हुए आगे चलेंगे. सबसे पहले जाने कि हड़प्पा जिसे वैदिक जिसे हमने पहचाना लिटरेचर से, और लिटरेचर का बेस ही था वेद, और इसी के नाम पे हमने इस सिविलाइजेशन का ही नाम दिया वैदिक सिविलाइजेशन. तो वेद कितने हैं ये आप जाने, लिखे मत, सुने पहले मैं क्या बोल रहा हूं. वेद बेसिकली चार थे, चार हैं, जिनका नाम है, पहला जिस क्रोनोलॉजी में मैं बोलता हूं उसी क्रोनोलॉजी में मैं लिखूंगा भी, और उसी क्रोनोलॉजी में आपको भी लिख के याद करना है. पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद. और इसी अथर्ववेद को हमने दूसरे शब्दों में ब्रह्मवेद का भी नाम दिया है. तो ब्रह्मवेद एंड अथर्ववेद बोथ आर सेम. तो चार नाम मैंने क्या क्या बोला, ऋग, साम, यजुर् एंड अथर्ववेद. ऋग्वेद आपके वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है, आप ये कह सकते हैं द ओल्डेस्ट वेदा एमंग ऑल. इस वेद में 10 मंडल हैं, जिस मंडल को हम मैनकाइंड का परिभाषा देते हैं. देयर आर 10 मैनकाइंड इन ऋग्वेदा. इस ऋग्वेदा में 10 मैनकाइंड के अंदर जो आपके श्लोक है, जो पंक्ति लिखी हुई है, वो है 1049 1049 पंक्तियां इसमें लिखी हुई है ऋग्वेदा में. ऋग्वेदा का सातवां जो मैनकाइंड है, सातवां जो मंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र की बात लिखी हुई है. बहुत बार ये आपके एग्जाम में आया हुआ है कि गायत्री मंत्र कहाँ लिखा हुआ है, जो आप कहते हैं ओम भू भुवस्व, ये गायत्री मंत्र है और ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद के सातवें मंडल में लिखा हुआ है. ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है, नौवां मंडल या मैनकाइंड, क्योंकि 10 ही मंडल है, 10 में से 3 मंडल की बात मैं अभी आपके साथ यहाँ पे कर रहा हूं, जिसमें से सातवें मंडल की बात हमने कर ली. क्या बताया, तो सातवें मंडल में ऋग्वेद की, ऋग्वेद के सातवें मंडल में गायत्री मंत्र की बात लिखी हुई है. ऋग्वेद का नौवां मंडल, नाइन्थ जो मैनकाइंड है, वो सोम देवता के बारे में बताता है. और सबसे इंपॉर्टेंट ऋग्वेद का 10वां मंडल चार वर्णों के बारे में बताता है. चार वर्ण में एक को हम कहते हैं ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र. जिस क्रोनोलॉजी में मैंने चारों वेद का नाम बोला है उसी क्रोनोलॉजी में आपको भी याद रखना है. जिस क्रोनोलॉजी में वर्ण बोल रहा हूं उसी क्रोनोलॉजी में आपको वर्ण भी याद रखना है, कि ब्राह्मण पहला, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य,
और सबसे आखिरी पायदान पे समाज में किसी वर्ण का स्थान दिया हुआ था ऋग्वेद में, वो थे शूद्र। तो ये था ऋग्वेद के बारे में इंपॉर्टेंट बात। ऋग्वेद के बाद हम जब सामवेद में प्रवेश करेंगे तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये सामवेद भारतीय गायन शैली का सबसे प्राचीनतम वेद है। जो इंडियन सॉन्ग है उनका संकलन है ना, जो उनके सुर हैं, जो उनके ताल हैं, वो सारे के सारे का संकलन आपके सामवेद में ही किया हुआ है। तो ये सामवेद की पहली और आखिरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा, जो यजुर्वेद की बातें हैं, उपासना की बातें हैं, है ना, यज्ञ होते थे, उनकी बातें इसमें नहीं था। और चौथा, जो आपका सबसे आखिरी अथर्ववेद या ब्रह्मवेद है, इसमें मैजिकल फॉर्मूले, जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, भूत प्रेत, आत्मा संबंधी तमाम बातें इसमें नहीं था। फिर से एक बार मैं बोलता हूं, फिर हम लिखने की बात करेंगे। ऋग, साम, यजुर् एंड अथर्व आर द फोर वेद। ओल्डेस्ट इज ऋग्वेदा, 10 मैनकाइंड है, सातवां गायत्री मंत्र के बारे में बताता है, नाइन्थ आपके सोम देवता के बारे में बताता है, और टेंथ आपके चार वर्णों के बारे में बताता है, जिसमें पहला स्थान ब्राह्मण का है, उसके बाद क्षत्रियों का है, उसके बाद वैश्य का है, और उसके बाद शूद्र का है। सामवेद गायन शैली के लिए हम इस वेद को याद रखते हैं। यजुर्वेद, इसमें कर्म कांड की बात है, यज्ञ अनुष्ठान, उपासना, पूजा, प्रेयर्स की बातें हैं, और ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। और सबसे आखिरी का जो अथर्ववेद है, इसमें भूत प्रेत, अंधविश्वास, जादू टोना संबंधित तमाम बातें क्या हैं, तो नहीं है। समझ में आया क्या बोला मैंने? अरे समझ में आया कि ऊपर से गया? अरे रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा? सब सो रहे हैं क्या? भाई दूज मना, दीपावली तक खत्म नहीं हुआ क्या मुंबई में? हाँ, कोई आवाज ही नहीं आ रहा उधर से, जगाना पड़ेगा क्या मुझे? तुरंत जगा दूंगा, पिछले क्लास की सारी बातें पूछूंगा, तुरंत जग जाएंगे सब। प्रेम, प्रेमा, प्रेमा मैडम, किस नाम से ज्वाइन किया है खुद नाम भी नहीं मालूम है। जब मैं बोलता हूं ये नाम तो कोई रिवर्ट भी नहीं आता है, कमाल मुझे लगता है। आदित्य, आदित्य लास्ट क्लास थे आप? फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। क्या क्या है आपका एम, क्या है? आदित्य राणे। नहीं नहीं, एम पूछ रहा हूँ, नेम तो मैंने आपको बता ही दिया, एम पूछ रहा हूँ, क्या बनना है आपको? अभी एसएससी का वो एग्जाम आने वाला है, उसके लिए। तो एग्जाम आने के बाद देखते हैं क्या, नए स्टूडेंट है या पुराने स्टूडेंट है फोकस के? नए हैं, ओके ठीक है, नए हैं तो कोई बात नहीं। अनिकेत, अनिकेत सो गया, ये जूम पे मीटिंग ला के सो गया है। सिद्धेश, ये माइक एक बार म्यूट होता तो अनम्यूट नहीं होता क्या मुंबई में? Yes, ये वन वे कम्युनिकेशन कैसे चलेगा? हाँ अनिकेत, आवाज आई क्या? इतने देर की बाद आवाज आती है? नहीं सर, न्यू स्टूडेंट हूँ, बोलिए ना सर। नहीं नहीं, कब ज्वाइन किया आपने? आज ही सर, फर्स्ट लेक्चर। अच्छा आज ज्वाइन किया, तब ठीक है। जो नए हैं उनके लिए हर एक 10 खून माफ है, चलिए आपके लिए भी माफ है। जब मैं तो पुराने वाले को खोज रहा हूँ, सिर्फ इतने ही कैसे हैं सब, बाकी के सो रहे हैं क्या? आज लग रहा है कुछ तो भाई दूज मनाने के लिए श्रीलंका चले गए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, नए के लिए 10 खून माफ है। सिद्धेश गायब, मैंने बोला ना जगाना तो मेरे लिए 2 मिनट काम है, मैं तो चलते रहता हूँ कि चलो कुछ ना कुछ आपकी तरफ से भी मुझे मिले, जब कि नहीं मिलता है तो मुझे हार के आपको जगाना पड़ता है। हा? प्रेमा, ये प्रेमा कौन है? किसी नाम से ज्वाइन करने का,
मैडम आवाज आ रही है कि फिर मैडम इससे पहले भी मैंने आपको एक बार नाम बोला था, फिर क्यों नहीं बोलते हैं मैडम? किस चीज का संकोच है, किस चीज का डर है, किस चीज का भय है आपको? मैं ईयरफोन ढूंढने गई थी, ईयरफोन ढूंढने गई थी। अरे ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपकी पहली क्लास है मैडम? हाँ सर। अच्छा, इससे पहले कोई क्लास नहीं अटेंड किया है? नहीं नहीं। जय गंगा माँ। जी सर। गंगा माँ की सौगंध। सर आज से पहले मैंने कोई क्लास नहीं अटेंड किया है, ठीक है? बी सीरियस, अगर अगर कहीं ना कहीं सफलता चाहिए तो बी सीरियस। सब एसएससी वाले हैं ना, ऐसा नहीं ना बैंक वाले हैं कोई, क्योंकि बैंक वाला का क्लास नहीं है ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ बैंक में नहीं पूछा जाता है सर। बैंक वाली मैं हूँ। चलू आगे सर, मैं जब पूछूं आप बैंक वाली हैं, कौन सी बैंक की है? वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक? SBI। ओके अच्छा ठीक है, मेरे को ये बताओ मैडम एसएससी भी आपको देनी है, एसएससी रेलवे भी देना है? हाँ सर रेलवे। हाँ तो ये जो क्लास चल रही है अभी वो एसएससी रेलवे की एमपीएससी क्लास है मैडम, है ना? हाँ। बैंक की जो क्लास है वो 7 बजे शेड्यूल है, उसमें मैं बैंक का सिर्फ पढ़ाऊंगा। ये क्लास का कोई भी टॉपिक आपके बैंक के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। अभी हम थे कहाँ? अभी हम थे वैदिक सिविलाइजेशन पे। वैदिक सिविलाइजेशन मैंने प्राइमरी आपको जानकारी दे दी, प्राइमरी जानकारी देने के बाद हम कहाँ पहुंचे हैं? तो हम सोर्स में पहुंचे और सोर्स में हमने आपको बताया कि वेद हैं और वेद कितने हैं, तो देर आर 4 वेद। तो आप लिखे वेद 4, पहला लिखे ऋग्वेद, ऋग्वेद के सामने हम लिखेंगे ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट वेदा एमंग ऑल 1028 हाइम्स 10 मैनकाइंड, ओल्डेस्ट वेदा एमंग ऑल 1028 हाइम्स 10 मैनकाइंड, 7th मैनकाइंड अबाउट गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र मालूम है ना कौन सा है? वो लिख लीजिएगा 9th मैनकाइंड अबाउट सोमदेव एंड 10th मैनकाइंड अबाउट 4 वर्ण। कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। लिखे ऋग्वेद के बारे में सिर्फ ये 5 बातें लिखे हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट वेदा अमंग ऑल, देयर आर 1028 टाइम्स, देयर आर 10 मैनकाइंड, 7 मैनकाइंड अबाउट गायत्री मंत्र, 9th मैनकाइंड अबाउट सोमदेव एंड 10th मैनकाइंड represent 4 वर्ण। The वर्ण्स are as follows respectively, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। यह है ऋग्वेद। लिखो जिनको नहीं समझ में आया वो पूछिए मेरे से, क्योंकि तो मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट लिखा है, इसको रिटर्न में आपके जो क्लास के नोट्स है वो स्पष्ट लिखे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? हटाओ। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, 4 वेद हैं, 4 में से पहला है आपका ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद है। 1028 सूक्त है इसमें, 10 मंडल है, 10 मंडल में से 7वां मंडल गायत्री मंत्र के बारे में बताता है, 9वां मंडल सोम देवता के बारे में बताता है और 10वां मंडल 4 वर्णों के बारे में बताता है। 4 वर्ण में से कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य एंड शूद्र। सामवेद में सिर्फ एक बात लिखे हैं, ओल्डेस्ट वेदा ऑफ सॉन्ग, ओल्डेस्ट वेदा ऑफ सॉन्ग, गायन शैली का सबसे प्राचीन वेद है सामवेद। थर्ड लिखे हैं यजुर्वेद। क्या लिखा हुआ है इसमें, तो लिखे हैं इसमें प्रेयर्स, अनुष्ठान, प्रेयर्स एंड अनुष्ठान, एंड ओनली वेदा, ओनली वेदा इन वर्स एंड प्रोज, गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। आखिर क्या है इसमें, तो इसमें प्रेयर्स हैं, उपासना पूजा है, और जो हम देखते हैं ना हवन करते हैं अग्निकुंड में, तो वो हवन की बातें हैं इसमें। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा जो है जिसमें भूत प्रेत की बातें हैं, ये संभवतः सबको याद रहेगा भूत प्रेत वाली बातें। Only Veda in, हाँ बोलो, Only Ved in, last क्या लिखा है sir? Only Ved in verse, verse, verse and prose, prose, गद और पद, मतलब कविताएं भी हैं, श्लोक भी हैं और कहानियां भी हैं। हटाऊं, यहीं पर लिखता हूं फोर्थ। फोर्थ लिखे हैं ब्रह्मवेद, दो नाम मैंने बताया है इसको, कौन कौन सा, ब्रह्मवेद या फिर कौन सा, अथर्व, यस अथर्व, ए टी एच ए आर वी ए, ब्रह्मवेद बोले या अथर्व वेद बोले, बोथ आर सेम। क्या है इसमें, तो मैजिकल फॉर्मूले है ना, जादू टोना और फिर इविल्स बोल सकते हैं, भूत प्रेत सब इसमें है, जितना भी बकवास की सारी बातें हैं जो आप करते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, वो सब इसी में है ब्रह्मवेद में। जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसकी पूरी जानकारी हमें वेदों से ही मिलती है, और वेद कितने हैं, तो वेद चार हैं। चारों वेद का नाम संभवतः आज की क्लास में आपने जाना है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद का है दूसरा नाम वर्णवेद है। जो सामवेद है उसमें 1549, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं, सॉरी एक बात छूट गया यहाँ पे, जैसे आपने जाना था कि ऋग्वेद 1028 हाइम्स हैं, वैसे यहाँ भी जानिए कि कितने हाइम्स हैं, कितने श्लोक हैं, तो 1549 श्लोक आपके सामवेद में है। सामवेद सॉन्ग्स के बारे में बताता है, यजुर्वेद अनुष्ठान के बारे में बताता है, और अथर्ववेद आपके जादू टोना के बारे में बताता है, भूत प्रेत आत्मा परमात्मा की सारी बातें है ना आपके इस वेद में संकलित हैं। अगर वेद है, इट मीन्स इस वेद को कोई ना कोई तो पढ़ने वाला होगा। जैसे आज हमारे घर पे पूजा होती है तो हम किसी न किसी पंडित को, तो ब्राह्मण को तो बुलाते हैं ताकि उन चीजों को वो पढ़ सके, उच्चारण कर सके। तो सिमिलरली चार वेदों के पाठ करने वाले को हम बोलते थे ब्राह्मण, आज भी हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, है कि नहीं, अरे बुलाते हो कि नहीं, यस। तो वैसे ही अब आप जाने कि चार वेदों के लिए चार अलग अलग ब्राह्मण हैं। वेद कौन कौन से हैं बताइए, कौन कौन सा नाम लिखूं, पहला नाम क्या है, सामवेद ना, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यस, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद। जैसे आपने उस समय टॉपिक दिया था कि वेद, और वेद के बाद आपने चार नाम लिखे थे, अभी आप टॉपिक देते हैं ब्राह्मण है ना, क्योंकि ऋग्वेद पहली इकाई थी वो खत्म हो गई, उसमें कितने वेद थे, तो चार थे, अभी आप दीजिएगा टॉपिक ब्राह्मण, और ब्राह्मण कितने हैं, तो चार। कौन ब्राह्मण है, तो ऋग्वेद का जो पाठ करते थे
उन्हीं को हम ब्राह्मण बोलते हैं, और अलग अलग ये नाम है। ऋग्वेद का पूजा करने वाले ऐतरेय और कौशितकी थे, सामवेद का पूजा करने वाले पंचविश थे, यजुर्वेद का पूजा करने वाले आपके तैतिरीय थे, और ब्रह्मवेद का पूजा करने वाले आपके क्या थे, तो गोपद थे। तो ये चार नाम हम एक एक करके लिखने की कोशिश करेंगे। संभवतः आपके लिए पहली बार है कि सर ये तो वेद का ही नाम हमने पहली बार जाना है, फिर वेद के ऊपर से ब्राह्मण का नाम पहली बार जानेंगे। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज मल्टीपल टाइम्स ऑफ रीडिंग। आप अगर मल्टीपल टाइम पढ़िएगा तो ही ये चीज आपको याद होगी कि ये ऋग्वेद है, ये सामवेद है, ये यजुर्वेद है, ये अथर्वेद है, और इनका जो पाठ करते थे, जो पूजा करते थे, जो उच्चारण करते थे, उनको हमने ब्राह्मण बोला। और चूंकि वेद चार, इसका आंसर ब्राह्मण भी चार। कौन से है? पहला नाम है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का जो पूजा करते थे उनको हम बोलते थे ऐतरेय, ATARIYA, ऐतरेय, और कौशितकी, KAUCTKEY। दोनों नाम आप लिखे हैं, ऐतरेय एंड कौशितकी। पंच वर्षा, सामवेद का जो पूजा करते थे उनको हमने पंच वर्षा बोला, जो यजुर्वेद का करते थे उनको हमने बोला तैतिरीय, तैतिरिया, एंड जो आखिरी जो पूजा करते हैं उनको हमने नाम दिया है गोपद। ऐत्रे एंड कौशितकी, ऋग्वेद, पंचवीर्ष, सामवेद, तैतिरीय, यजुर्वेद एंड गोपद ब्रह्मवेद, है ना। चार अलग अलग नाम इस अलग अलग आपके रेंडमली दे दिया जाएगा, उसमें से वन का टू, टू का थ्री, ऐसे करके आपको मिलाना पड़ेगा। वहां भी आपको ये काम देगा। अगर वन लाइन फैक्ट में पूछा गया, डायरेक्ट पूछा जाएगा हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राह्मण ऑफ यजुर्वेद, उस कंडीशन में तैतरीय जहां पर नाम लिखा हुआ होगा, यू हैव टू टिक मार्क ऑन द एक्चुअल चॉइस। चूंकि वैदिक सिविलाइजेशन को जानने का आधार ही हमारा लिटरेचर है, तो सारी बात लिटरेचर में ही चलेगी। लिटरेचर अभी तक हमने दो देखे हैं, एक तो पहला हमने वेद को माना लिटरेचर और वो देखा हमने चार है, दूसरा हमने ब्राह्मण भी एक लिटरेचर है और वो भी चार है। हटाऊं क्या? क्या हुआ? बोलो बोलो। अभी लिखे उपवेद, वेद अलग, उपवेद अलग, ये कितने हैं? ये भी चार हैं, चार उपवेद। कौन कौन से हैं? तो आपने सुना होगा नाम किसका, तो धनुष सिखाने के लिए, मतलब वॉर की टेक्निक जो है वो उपवेद में लिखी हुई है, जिसका नाम है धनुर्वेद। धनुर्वेद में क्या लिखा हुआ है? तो वॉर टेक्निक लिखे हुए हैं, जो उस समय की लड़ाई होती थी उसको समझाने के लिए धनुर्वेद का लोग उपयोग करते थे। बट ये वेद नहीं है। धनुर्वेद क्या है? तो धनुर्वेद एक उपवेद है। आखिर क्या लिखा हुआ धनुर्वेद में? तो उस वेद में धनुष चलाने की बातें हैं, और धनुष चलाने की बात वहीं पर संकलित होगी जहां पे हम क्या करेंगे, तो वॉर की बात करेंगे। तो ये आपका पहला उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद के बाद दूसरा आता है कि हम जब घर बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, किसको बुला के लाओ? वास्तुशास्त्र के आधार पर हमें घर बनाना है तो किसी शिल्पकार को बुला के लाओ, ऐसा हम बोलते हैं क्या? हाँ, घर बनाया ही नहीं, शिल्पवेद। शिल्पवेद में क्या लिखा होगा? आर्किटेक्चर।
घर बनाने की बातें लिखी हुई है शिल्प वेद में, धनुर्वेद, शिल्प वेद दूसरा है, तीसरा गंधर्वेद। गंधर्वेद इज सिमिलर टू सामवेद। क्या लिखा हुआ होगा? सॉन्ग्स। और चौथा हम बोलते हैं कि अभी हमें बुखार सर्दी हो गया तो एलोपैथी नहीं खानी है, हमें क्या खाना है? तो आयुर्वेद हमें खाना है, आयुर्वेदिक दवा लेके आओ, बोलते हैं ना। तो ये जो आयुर्वेद है इसमें मेडिसिन की बात लिखी हुई है, एंड दीज आर फोर वेद। धनुर्वेद क्या लिखा हुआ है? तो लड़ाई की बात लिखी हुई है। गंधर्ववेद में आपके गायन शैल्य की बात लिखी हुई है। शिल्प वेद में आर्किटेक्चर की बात लिखी हुई है कि हम किसका निर्माण कहाँ पे करेंगे। और आखिरी में जो आयुर्वेद है, ये संभवतः आपको भी मालूम है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन हमें खाना है, तो ये किस चीज के बारे में होगा? तो मेडिसिन के बारे में कहा जा रहा होगा, चिकित्सा संबंधी सारी बात आयुर्वेद में लिखी हुई है। नाम इन सभी के आखिरी में वेद का है, बट ये वेद नहीं है, वेद आपके वही है जिसकी बात थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ की है, ऋग, साम, यजुर् और अथर्व। ये सारे के सारे उपवेद हैं, उपवेद एक भाग है आपके वेद का, इसका हमने इसके कैटेगराइजेशन उपवेद के रूप में किया है। लिखे हैं चारों उपवेद का नाम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब एक्चुअली में दिक्कत है। चलो के आगे अभी जाने कि इस वेद चार, उपवेद चार और ब्राह्मण चार के आगे हमें चलना है पुराण पे। पुराण क्या है? तो पुराण प्राचीन वंशों के आको का विवरण जिस ग्रंथ में मौजूद है। सबसे जो प्राचीनतम वंश है हमारे पास, उस पर संभवतः एक दो क्लास के बाद हम पहुंचेंगे, उसका नाम था मौर्य डायनेस्टी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो प्राचीन वंश मतलब मौर्य वंश, गुप्त वंश, ऐसे जो प्राचीनतम वंश है इसका उल्लेख जिस ग्रंथ में है उसको हमने पुराण का नाम दिया है। तो जैसे आपने जाना कि वेद चार हैं, उपवेद भी चार हैं, ब्राह्मण भी चार हैं, वैसे ही आप जाने कि पुराण चार नहीं है। देयर वेयर एंड देयर आर 18 पुराण, 18 पुराण है, बट 18 पुराण अगर याद करेंगे तो समाप्त पता चलेगा आपका ही नाम आप भूल गए। तो सिर्फ दो पुराण का नाम हमें याद रखना है, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है और सबसे लेटेस्ट पुराण कौन सा है। उसके साथ साथ एक बात और भी पुराण में हमें याद रखनी है कि पुराण में आखिर है क्या। जैसे गंधर्ववेद में गायन है, धनुर्वेद में वॉर टेक्निक है ना, ऋग्वेद में आपकी गायत्री मंत्र है, वैसे ही आखिर पुराण में क्या है। तो पुराण में क्या है इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया कि ओल्डेस्ट डायनेस्टी क्या विवरण जिस वंश में, जिस ग्रंथ में होगा। कहने का मतलब मौर्य डायनेस्टी की बातें या हिरण्यक डायनेस्टी की बातें, नंद डायनेस्टी की बातें जिस ग्रंथ में होगी उसको हम पुराण का नाम देंगे। और पुराण कितने हैं? तो पुराण 18 हैं। पुराण कितने? 18 पुराण। 18 में से सिर्फ दो नाम हमें जानना है, ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है और लेटेस्ट पुराण कौन सा है। लेटेस्ट पुराण का नाम है ASKANDI स्कंद पुराण, और सबसे प्राचीनतम पुराण का नाम है MATSHYA मत्स्य, मछली जो है वो सबसे पुरानी है, और स्कंद पुराण जो है वो सबसे नया और लेटेस्ट है। लिखे
नेक्स्ट पॉइंट, कुरान सामने लिखें 18 और उसके बाद लिखें द ओल्डेस्ट कुरान वॉज मतस कुरान एंड द लेटेस्ट कुरान वॉज स्कंद कुरान। बस इतनी सी बात कुरान में हमें जाननी है। वैदिक सिविलाइजेशन, देवताओं ने सिविलाइजेशन का निर्माण किया। इस कारण से हमने बोला कि ये सिविलाइजेशन अपुरुष सभ्यता है, इसका मतलब किसी पुरुष विशेष ने इसे नहीं बनाया है, और ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, आयरन पे बेस्ड है, गाय भी हमें यहाँ पे मिले हैं, नगरीय सभ्यता है ना, कैटल फार्मिंग इसका बेस था, पूजा उपासना यहाँ पे लोग गॉड की करते हैं, जिसका एज 1500 BC से लेके 600 BC तक इसका प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है। और इस पूरे वैदिक सिविलाइजेशन को जानने का जो सोर्स है वो लिटरेचर है। लिटरेचर में अभी तक जो हमने बातें की है वो 4 बातें की है। कौन कौन सी बातें की है तो आप एक बार जाने। 5वीं बात पे हम हैं, उसका नाम है उपनिषद। उपनिषद पुराण हमने जाना कि पुराण कितने हैं, तो देयर वेयर 18 पुराण, तो पुराण कितने थे 18 थे, बाकी ये चार ये क्या था तो वेद है, ये क्या है तो ब्राह्मण है, ये क्या है तो उपवेद है। उपनिषद कितने हैं तो 18 के बीच में 0 डाल दीजिए, 108 उपनिषद। ओल्डेस्ट उपनिषद छंदोग उपनिषद वॉज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूलने का नहीं आज के क्लास के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते की बात लिखी हुई है, का नाम क्या है, नाम है मुंडको। सत्यमेव जयते की बात मुंडको उपनिषद में है, जबकि ओल्डेस्ट उपनिषद आपका छंदोग उपनिषद है। बहुत इंपॉर्टेंट ये उपनिषद है। जैसे आपने गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के 7वें मंडल में याद रखा है, वैसे ही सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होगी, ये उपनिषद में लिखा हुआ है, ना कि वेद में लिखा हुआ है। और उपनिषद 108 है। कौन से उपनिषद में सत्यमेव जयते की बात लिखी है, उस उपनिषद का नाम है मुंडको उपनिषद। लिखें उपनिषद 108, ओल्डेस्ट उपनिषद वॉज छंदोग्य एंड मुंडको उपनिषद डिस्क्राइब अबाउट सत्यमेव जयते। मुंडको किसी को नींद नहीं आ रही है ना, ये सब चल रहा है, भूत प्रेत की बातें, नींद तो नहीं आ रही है। सत्यमेव जयते के नीचे लिखा है लास्ट में ब्रैकेट, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है मुंडको उपनिषद में। मुंडको MUNDUKO मुंडको उपनिषद। हटाओ देखिए, महाकाव्य का नाम आपने सुना होगा। महाकाव्य में से दो का महाकाव्य का नाम मैं आपके बोर्ड पर लिखूंगा, एक का नाम है रामायण, दूसरे का नाम है महाभारत। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि आखिर इस महाकाव्य को लिखा किसने। महाकाव्य जो महाभारत है उसको लिखा आपके वेदव्यास ने। महाभारत आपके विश्व की लिखी हुई सबसे लंबी ग्रंथ है, लॉन्गेस्ट वेदा अमंग ऑल है महाभारत। लॉन्गेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, अध्याय बहुत सारे हैं इसमें, तो लॉन्गेस्ट वेदा अमंग ऑल है। 1,00,000 श्लोक इसमें लिखे हुए हैं। और इसके बाद की जो बात मैं आपको बता रहा हूं
वो आपके IBPS PO 2016 में पूछा हुआ है। समझ जाए कि ये SSC रेलवे वाली क्वेश्चन आपके बैंक एग्जाम से पूछी हुई है, और वो क्वेश्चन था कि जय संहिता हम कौन से बुक को जानते हैं। तो बुक का नाम था, बैंक के पीओ के एग्जाम से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जय संहिता किस बुक के बाद किस बुक का दूसरा नाम है। तो आप जाने कि जय संहिता और सहस्त्र संहिता ये दोनों उसी बुक का नाम है जिसकी रचना वेद व्यास ने की, और ये विश्व की लिखी हुई सबसे लंबी ग्रंथ है, 1,00,000 से भी ज्यादा श्लोक इसमें मौजूद है, नाम है महाभारत। दूसरा जो महाकाव्य है उसका नाम है, वाल्मीकि ने उस बुक को लिखा, नाम है रामायण, है ना। दिस इज द ओल्डेस्ट वेदा ओल्डेस्ट होली बुक्स ऑफ अमंग ऑल। तो महाभारत क्या था, लॉन्गेस्ट था, ये क्या है तो ओल्डेस्ट है। दोनों में अंतर बनाकर रखिएगा, ऐसा नहीं कि ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट एक ही होगा, ऐसा नहीं है। महाभारत लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा है, बट उससे पुरानी जो बुक लिखी हुई है वाल्मीकि ने लिखी थी जिसका नाम था रामायण। तो लिखे नेक्स्ट महाकाव्य, और महाकाव्य के सामने लिखे कितने महाकाव्य, तो 2 महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं, तो 2 कौन कौन से हैं, महाभारत किसने लिखा, वेद व्यास ने लिखा महाभारत। इस महाभारत का दूसरा नाम है वो क्या है, जय संहिता, और सहस्त्र संहिता, दोनों आप नाम याद रखिएगा। बैंक एग्जाम से पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं टिक मार्क किया है, रेलवे से सीखा क्वेश्चन बैंक एग्जाम से 2016 IBPS में पूछा हुआ है, जय संहिता और सहस्त्र संहिता इज द अदर नेम ऑफ महाकाव्य रिटन बाय वेद व्यास एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट होली बुक। एक लाख श्लोक इसमें लिखे हुए हैं, 1,00,000 हाइम्स महाभारत। महाभारत का दूसरा रामायण ओल्डेस्ट है, लिखा किसने है, वाल्मीकि, बस ओल्डेस्ट एंड वाल्मीकि। एक और लिख लीजिएगा, 24,000 हाइम्स, उसमें 1,00,000 था, यहां पे 24,000 हाइम्स है। किसी को कुछ पूछना अभी तक, कोई क्वेश्चन है या नहीं है, नो क्वेश्चन, सब समझ में आ रहा है, कमाल हो जाएगा फिर तो। एंशियंट हिस्ट्री अगर सबको एक साथ समझ में आने लगे तो सही में कमाल हो गया। बोलो बोलो, कोई तो बोल रहा था, बोलिए। हिटलर का नाम सुना है, हिटलर का, अरे हिटलर का नाम सुना है क्या, हाँ सर। किधर रहता था वो, डोंबिवली में कि घाटकोपर में, अरे हिटलर किधर का था बोलो, जर्मनी, गूगल कर लिया क्या, नहीं सर, एडोल्फ हिटलर का थोड़ा बहुत सुना हुआ है नाम वगैरह। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि मैं हिटलर की तरह पढ़ाए जा रहा हूँ और आप पढ़े जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है,
मतलब वो घर से प्रण लेके आए क्या, जो सर पढ़ाएंगे वही पढ़ूंगा, अपने मुंह से अपने जुबान से कोई भी दूसरी शब्द नहीं निकालनी है, एकदम ओबीडियंट स्टूडेंट के जैसा समझना है मुझे। अरे पूछो, कंफ्यूजन ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है, पूछते ही नहीं है। सर ये सब बैंक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, बैंकिंग एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बैंक के एग्जाम के लिए आपका नाम क्या है मैडम? डिंपल मैडम। 5 to 6:30 की जो क्लास होती है जिसमें जीएस लिखा हुआ है, जनरल स्टडी, उसका दूर दूर तक कोई भी संबंध बैंक से नहीं है, है ना? अभी आपने बोला ना आईबीपीओ में एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। हाँ, तो वो वही तो एक्सेप्शन मैंने बताया कि बैंक रेलवे के एसएससी रेलवे क्वेश्चन एक बार बैंक एग्जाम से पूछे गए, ये एक्सेप्शन था, इसका ऐसे यहाँ पर मैंने जिक्र किया। अदरवाइज जितनी भी बात मैं जनरल स्टडी में पढ़ाता हूँ वो कोई भी फैक्ट आपके बैंक के एग्जाम का सिलेबस नहीं है, ठीक है? अभी तक तो नहीं है, सीटी के आने के बाद हो जाएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो जनरल स्टडी की बैच है वो सिर्फ रेलवे के जीएस में पूछा जाएगा, एसएससी के जीएस में, एमपीएससी के जीएस में पूछा जाएगा। बैंक में जीएस पूछा ही नहीं जाता है, बैंक में जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जिसके बारे में हम 7 बजे से बात करने की कोशिश आपके साथ करेंगे। आगे हम चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम जानेंगे कि आगे का जो हमारा क्या है, तो लिटरेचर है, उसका नाम क्या है? तो नाम है दर्शन। जंगल में बैठ के, है ना, देखते होंगे ऋषि मुनि जंगल में बैठे रहते हैं, लंबा लंबा दिए जा रहे हैं, वो जो बच्चे होते हैं वो सुने जा रहे हैं, दार्शनिक बात, फिलोसॉफिकल बात करते हैं, उसका नाम है दर्शन। तो दर्शन कितने हैं? तो दर्शन 6 हैं। कौन कौन से दर्शन है? एक तो दर्शन कितने हैं वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा कौन कौन से दर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, और उस दर्शन, उस ग्रंथ को लिखने वाला कौन है, मतलब भाषण देने वाला कौन है, वो इंपॉर्टेंट है। 6 दर्शन का नाम मैं लिखता हूं। पहला नाम है सांख्य। सांख्य लिखा किसने? तो कपिल, सांख्य कपिल। दूसरा है NAYAYA, न्याय, लिखा किसने? गौतम, सांख्य कपिल, न्याय गौतम। वैशेषिक, वैशेषिक लिखा किसने? कनाद। सांख्य कपिल, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद। योग, अभी भी ये नाम बहुत प्रसिद्ध है, योग किसने लिखा? जहां जाइए वहां पे ये तो आपको दिखेगा ही, पतंजलि। उसके बाद प्री मीमांसा और पोस्ट मीमांसा, ये सब दार्शनिक ग्रंथ है, किसने लिखा है? तो प्री मीमांसा जैमिनी एंड पोस्ट मीमांसा वेद नारायण लिखे। दर्शन 6, ये है दर्शन और ये है फाउंडर, यहां पर लिख लीजिएगा फाउंडर। सांग कपिल, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद, योग पतंजलि, प्री मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा दैट इज पोस्ट मीमांसा वेद नारायण लिखे। और पूछिए मेरे से, मैं बोर्ड से साइड हो गया हूं, लेकिन आपको अगर कोई स्पेलिंग नहीं समझ में आता है तो मेरे से पूछिए। वेद हमारे पास 4 थे, उपवेद भी 4 थे, ब्राह्मण भी 4 थे, पुराण 18 थे, उपनिषद 108 थे, महाकाव्य 2 थे, और अभी जो आपके बोर्ड पर लिखा है वो 6 हैं। उनका नाम है दर्शन, सांख कपिल, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद, योग पतंजलि, प्री मीमांसा जैमिनी एंड पोस्ट मीमांसा वेद नारायण।
सर इसके अंदर में होता क्या, मतलब ये इसको एक्सप्लेन मतलब कैसे करते हैं, क्या है ये? ये है, कभी रामायण देखा क्या सीरियल? हाँ सर देखा ना, उसमें देखा वो ऋषि मुनि, एक मैं बोर्ड से भी हट जाता हूँ, ऋषि मुनि जंगल में बैठे हुए हैं, बोले जा रहे हैं, उनके जो अनुयायी है उनको सुने जा रहे हैं, तो वही है जो दार्शनिक बातें हैं, जो ऋषि ये सब क्या, ये कपिल ऋषि मुनि है, गौतम ऋषि मुनि है, पतंजलि ऋषि मुनि का नाम है, इन्होंने जो बोला, जो दार्शनिक फिलोसफिकल बातें बोला, उनको जिस दर्शन का नाम हमने दिया, वो दर्शन का नाम कॉमन भाषा में आप समझ जाए, उस किताब का नाम था सांख्य। ये ऋषि मुनि इन्होंने जो बोला वो दार्शनिक बातें हैं, तो दर्शन, और उनके जो द्वारा लिखी हुई दार्शनिक बुक है उसका नाम सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, योग है। सर इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना, इसके अंदर में क्या है सब? एग्जाम कौन सा देना है आपको बताओ? बैंकिंग। अब्बा बा, अरे साहब पूरा रामायण खत्म हो गया, बैंकिंग का एग्जाम देना, जिसे पढ़ने की जरूरत क्यों है? नहीं सर मैंने ना नेट का एग्जाम दिया था, तो उसमें ये सारी चीजें थी, तो इसके लिए नेट का देखो नेट का देखो मैडम, नेट का जो आप एग्जाम दीजिएगा उसमें ये पूछा जाएगा आपसे। हाँ सर क्लियर, क्योंकि नेट इज ए क्वालिफाइंग टेस्ट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका वो सिलेबस ही है जनरल स्टडी, तो वहां पूछा जाएगा। लेकिन बैंक पीओ, बैंक क्लर्क बनना है, पैसा गिनना है, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं पूछी जाती मैडम। नहीं सर मैंने बस ऐसे जनरल नॉलेज, क्योंकि मैंने दिया एग्जाम ना, तो ये सारी चीजें थी उसके अंदर सब कुछ। मैडम आपने नेट का दिया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेट के एग्जाम में ये सिलेबस है तो पूछा जाएगा आपसे, लेकिन बैंक का दीजिएगा तो नहीं है, तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, है? ओके ठीक है, फिर से अगर नेट का एग्जाम देना है तो आप इन चीजों को पढ़िए, अगर सिर्फ बैंक का एग्जाम देना है तो अभी का अभी इस मीटिंग से आउट हो जाओ, क्योंकि ये बड़ी बातें अननेसेसरी संभाल के कोई मतलब नहीं है, है ना? वो बैंक में क्या पूछा जाएगा वो 7 बजे से मैं बराबर बताता हूँ। पहली क्लास आपकी है मैडम, आपकी पहली क्लास है, इससे पहले भी क्लास किया है मेरा जीएस का? नहीं सर, मैंने स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर अटेंड किए थे आपके। अच्छा ठीक है ओके, हटाओ क्या ये, कि अभी तक दर्शन लिख ही रहे हैं? सर रामायण में कितना हाइम्स आएगा सर, जैसे महाभारत में 24,000 लिखा था मैंने, 24,000 हाइम्स, जैसे महाभारत में 1,00,000 था ना? हाँ सर। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। हाँ तो 24,000 श्लोक आप लिखें रामायण में, ठीक है? कुछ ज्यादा नहीं हुआ है ना? अब कोई बोलेगा ही नहीं ज्यादा हुआ या कम हुआ, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, कुछ ज्यादा हुआ है नहीं या ठीक है चल रहा है? ओके ओके है अभी तक, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो आखिरी बात एक और बताऊंगा, वो है क्या, तो वेदांग, वेदांग ये भी कितने हैं, तो ये भी 6 हैं, जैसे दर्शन 6 थे वैसे वेदांग भी 6 हैं। कौन कौन से हैं? पहला नाम है शिक्षा, दूसरा नाम है कल्प, तीसरा नाम है ज्योतिष, शिक्षा कल्प ज्योतिष, उसके बाद है व्याकरण, शिक्षा कल्प ज्योतिष व्याकरण निरुक्त, पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा ज्योतिष, उसके बाद व्याकरण, उसके बाद निरुक्त, एक और बच गया है छंद, छंद
क्या है ये, तो ये कुछ भी नहीं है, इसमें अलग अलग, ये भी बुक्स ही है, इसमें अलग अलग चीजें लिखी है। ज्योतिष में क्या लिखा होगा, एस्ट्रोलॉजी की बात लिखी हुई होगी। व्याकरण में क्या है, तो ग्रामर की बात लिखी हुई है, जो छंद है, जो टोन है हमारी, है ना, तो ये सब बात लिखी हुई। इसको आप छोड़ दें, अदरवाइज मैं लिख देता हूँ क्या लिखी हुई, बट पहले ये छह नाम लिखे हैं, वेदांत छह और वेदांत के नाम, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, क्या है इसमें वो भी मैं लिख देता हूँ। पहले ये छह नाम आप लिखें, शिक्षा, शिक्षा में क्या लिखा हुआ है, तो फोनेटिक्स लिखा हुआ है, उच्चारण की बात शिक्षा में है। उसके बाद क्या है, तो कल्प है, कल्प में क्या है, तो रिचुअल्स है, रिचुअल जो विधि विधान है, पूजा पाठ कैसे करें, है ना, तो रिचुअल्स लिखा हुआ है कल्प में। उसके बाद ज्योतिष में क्या है, तो एस्ट्रोलॉजी, नाम में लिखा हुआ है ज्योतिष, ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजी। व्याकरण में ग्रामर है, कहाँ पे हम स्वर लगाएं, कहाँ पे व्यंजन लगाएं, तो ये व्याकरण की बातें हैं। उसके बाद निरुक्त है, इटिमोलॉजी, और एक बच गया आपका छंद। छंद में क्या है, छंद में मैट्रिक्स, तो ये छह है, छह वेदांग है, दर्शन की तरह ही छह वेदांग है, अलग अलग चीजें इसमें लिखी हुई है, छह अलग अलग चीजों का आप लिख ले। ये सिर्फ नाम है, इसमें क्या लिखा हुआ है बस उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने क्या बताया अभी तक वो सुन ले, लिखा क्या, शिक्षा में फोनेटिक्स है, कल्प में रिचुअल्स लिखा हुआ है, ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी की बात है, व्याकरण में ग्रामर की बात है, निरुक्त और छंद में इटिमोलॉजी और मैट्रिसेस की बात लिखी हुई है। ओके, सुने अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज एक बार फिर से मैं कंपाइल करता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आपके साथ क्या डिस्कशन किया है, है ना, क्योंकि आधे पे ही मुझे छोड़ना पड़ेगा इस वैदिक सिविलाइजेशन को, आधा हमें रखना पड़ेगा, अदरवाइज ओवरलोड हो जाएगा। तो मैंने अभी तक क्या बताया वो एक बार ध्यान से सुने मेरे को, मैंने बताया कि वैदिक जो फेज है वो 1500 BC से लेके 600 BC तक का है। ये वैदिक सिविलाइजेशन को जानने का सोर्स हमारा लिटरेचर है, लिटरेचर में अलग अलग टाइप के लिटरेचर है, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे उपवेद हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो वेदांग हो, तो ये सब अलग अलग आपके लिटरेरी सोर्स हैं। हम वैदिक सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जो साहित्य है, वो रीडेबल है, जिसको हमने श्रुति लिटरेचर का नाम दिया है, संस्कृत का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे पाया गया है। नेक्स्ट हमने आपको बताया है कि ये जो इकोनॉमी है वैदिक सिविलाइजेशन की, उसका बेस आपका कैटल फार्मिंग था। नेक्स्ट हमने आपको ये भी बताया कि जो रिलीजन थे, जो रिलीजियस मतलब जो वर्शिप लोग करते थे, वो गॉड की करना यहाँ पे शुरू कर दिए थे। तो भगवान की उपासना करने की जो प्राचीनतम साक्ष्य है हमें वैदिक सिविलाइजेशन से मिली है, न कि सिर्फ भगवान की उपासना का साक्ष्य हमें मिला है, उसके साथ साथ हमें गाय और लोहे का भी खोज यहीं से, इसी सभ्यता से गाय और लोहे दोनों का खोज हमें मिला है। उसके बाद ही मैंने बताया, क्या बताया, कि ये एक नगरीय सभ्यता है, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और ये सारी बात मैंने आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्या किया,
तो अलग अलग आपके साथ किया है। जब हम आगे चलते हमने बताया कि लिटरेरी सोर्स में पहला आपका वेद है, वेद में चार वेद हैं, चार वेद में से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद रिस्पेक्टिवली मैंने आपको बताया है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 1028 हाइम्स हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपने नोटबुक से मैच भी करते रहे, 1028 हाइम्स हैं। ये ओल्डेस्ट वेद है, इस वेद में 10 मंडल हैं, दैट इज कॉल्ड मैनकाइंड। इस 10 मंडल में से सातवां मंडल सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम से पूछा गया है, क्योंकि यही वो मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र ओम भू भुवस्व की बातें निहित है। जो 9th मंडल है उसमें सोम देवता के बारे में लिखा हुआ है, और जो 10वां मंडल है उसमें चार वर्णों की परिभाषाएं निहित है, जिसमें चार वर्ण रिस्पेक्टिव कौन कौन से हैं, तो पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और चौथा शूद्र है। ऋग्वेद के बाद हम सामवेद की ओर आए थे और आपको ये बताया था कि इस वेद में 1549 1549 हाइम्स हैं, और ये भारतीय गायन शैली का प्राचीनतम वेद है, इट्स कॉल्ड इंडियन सॉन्ग का प्राचीनतम वेद आपका सामवेद है। तीसरा यजुर्वेद के बारे में मैंने आपको बताया कि एकमात्र ऐसा वेद जो गद और पद, प्रोज और वर्ड्स एंड प्रोज दोनों में लिखा हुआ है। इस वेद में रिचुअल्स की बातें लिखी हुई हैं, इस वेद में प्रेयर्स की बातें लिखी हुई हैं, तो ये आपका थर्ड यजुर्वेद है। चौथा मैंने आपको ब्रह्म वेद बताया, और इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया कौन सा, तो ब्रह्म वेद बोले या फिर अभी कोई बोलेगा ही नहीं, आवाज आ रही है क्या? अथर्ववेद आवाज आ रही है ना, ब्रह्म वेद बोले या फिर अथर्ववेद बोले, दोनों सेम ही है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, तो रिचुअल्स आपके मैजिकल फॉर्मूले, एविल्स है ना, जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र जो जादू तो ना, सब सारी बकवास की बातें आपके इसी वेद में नहीं थे। वेद के बाद हम आपके ब्राह्मण पे आए थे और आपको ये बताया था कि चार वेदों को पूजा करने वाले चार ब्राह्मण होते हैं। ऋग्वेद की पूजा करने वाले दो ब्राह्मण थे जिनका नाम ऐतरेय एंड कौशिकी था। पंचविर्ष वो ब्राह्मण है जो सामवेद की पूजा करता है, तैतरीय वो ब्राह्मण है जो उस वेद की पूजा करते हैं जिस वेद में अग्निकांड पूजा उपासना की बातें लिखी हुई हैं, दैट इज यजुर्वेद। और गोपद वो ब्राह्मण जो आपके मैजिकल फॉर्मूले से जुड़ी हुई वेदों का अध्ययन और उसका पूजा पाठ करने के लिए समर्पित है, दैट इज ब्रह्मवेद या फिर अथर्ववेद। तो चार ब्राह्मण हमने बताए, चार वेद आपको बताया, उसके आगे हम चले तो आपको उपवेद के बारे में बताया कि उपवेद भी चार हैं। जिस उपवेद में वॉर टेक्निक लिखा हुआ है वो धनुर्वेद है, जिस उपवेद में आपके मेडिसिन की बातें लिखी हुई हैं वो आयुर्वेद है, जिस उपवेद में गायन शैली की बात लिखी हुई है वो गंधर्व वेद है, और जिस उपवेद में शिल्पकार आर्किटेक्चर की बातें निहित है, वास्तुशास्त्र जैसी बड़ी बातें निहित है, वो आपका शिल्प वेद है। उससे आगे हम चले थे तो आपको हमने दो महाकाव्यों का नाम बताया था, और दोनों महाकाव्य का जो रचना है वो एक का वेद व्यास और दूसरे का वाल्मीकि ने किया था। एक का नाम हमने दिया महाभारत, सबसे लंबी लिखी हुई ग्रंथ है ये महाभारत, वेद व्यास ने इसको लिखा। 1,00,000 से भी ज्यादा, 1,00,000 श्लोक आप मान के चले कि इसमें 1,00,000 श्लोक है, जय संहिता और सहस्त्र संहिता जैसे बड़े नाम हमने इसी ग्रंथ को दिए हैं। वाल्मीकि ने जिस वेद, जिस ग्रंथ की रचना की, जिस होली बुक को बनाया, वो सबसे प्राचीनतम होली वेद है, ओल्डेस्ट है, जिसमें 24,000 श्लोक मौजूद हैं, है ना, नाम दिया हमने रामायण। उससे आगे हमने चले थे तो हमने पुराण की बात बताई थी कि पुराण 18 है। इस पुराण में से दो पुराण का नाम मैंने आपके साथ जिक्र किया, सबसे पुराना मत्स्य पुराण है और सबसे प्राचीन नवीनतम स्कंद पुराण है। पुराण के बाद हम उपनिषद पे आए थे और ये बताया कि जैसे पुराण 18 है 18 है, वैसे ही उपनिषद 108 है। सबसे पुराना उपनिषद आपका कौन सा है, छंदोग है, और वो उपनिषद जिसमें सत्यमेव जयते की बातें निहित है उसका नाम कौन सा है, तो मुंडको उपनिषद है। इससे आगे भी हम चले और आपको दर्शनों की बात हमने बताया कि दर्शन 6 हैं, सांख कपिल, न्याय गौतम, वैशेषिक नाथ, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा मेजिनी और उत्तर पोस्ट मीमांसा वेद नारायण।
उसके साथ साथ हमने आपको वेदांग के बारे में बताया कि वेदांग भी छह हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, न्याय, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये समझ में आया? हाँ? अरे आया क्या? सब सो गए लगता है। सुनीता जाट, आवाज आ रही है क्या सुनीता मैडम? यस सर। सो तो नहीं गई? यस सर। वेद पुराण सुनते सुनते? नहीं सर। समझ में आया? लेट ज्वाइन क्यों किया तुमने क्लास? सर थोड़ा गेस्ट आ गए। अच्छा गेस्ट आ गए थे। अच्छा गेस्ट थे तो कोई बात नहीं, वो फोन ऑन कर देने का, जूम लगा देने का, कान में हेडफोन डाल देने का, उनसे ही बात करने का, और मैं जो बताते रहता हूँ ना, गुरु ज्ञान देते रहता हूँ, सुनते रहने का चुपचाप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इससे आगे जब हम चलेंगे तो आपके इसी वैदिक सिविलाइजेशन को पहले हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम उस दौर में पहुंचेंगे जिस दौर में 63 रिलीजन थे, धर्म, और उस धर्म में उस धर्म की बात करेंगे जो धर्म से क्वेश्चन हमेशा आप जहां पूछे आते हैं, दैट इज बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध के माता पिता, महात्मा बुद्ध ने घर को छोड़ा बिहार के बौद्ध गया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, धम्मचक्र परिवर्तन, ये हमने किसको बोला, ये हम जब बौद्ध धर्म में आएंगे, नेपाल चलेंगे आपको लेके, नेपाल के कपिल वस्तु में हम आपको लेके आएंगे, और बैसाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को हम ज्ञान की प्राप्ति भी करवाएंगे। आज के लिए संभवतः काफी है, इससे आगे भी मुझे वैदिक सिविलाइजेशन खत्म करने के लिए पढ़ाना था, लेकिन मैं मेंटल स्टेटस अपना तो नहीं, लेकिन आप सभी का देखते हुए आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपके पास कोई क्वेश्चन अगर है तो मेरे से पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो फिर हम बैंक के क्लास में डायरेक्ट 7 बजे आपके साथ रूबरू होंगे। किसी को कुछ पूछना है? नो क्वेश्चन, चलें फिर अलविदा कहें। अरे यस और नो, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही लग रहा है। यस सर। ओके ठीक है, 7 बजे क्लास में फिर मिलते हैं, है ना? ओके okay.